सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 100 की स्पीड में कार ने मां बेटी को उड़ाया। ओमिक्रॉन के बीच चिंता बढ़ा रहा कोरोना। महिला के साथ हुई 1,09,000 की ठगी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान उदयपुर के जयसमंद स्टेट मेगा हाईवे पर एक कार ड्राइवर ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इनमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस मौत के खेल का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, आइए देखते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे में कार ड्राइवर ने मां बेटी को रौंद दिया। करीब 100 की स्पीड में आए कार ड्राइवर ने 4 लोगों को टक्कर मारी। ये लोग अपने रिश्तेदारों से विदा ले रहे थे और सड़क किनारे खड़ी माँ बेटी अपनी कार में बैठने वाली थी कि तभी अचानक से मौत बनकर आई कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर 15 फीट तक घसीट ले गया और माँ बेटी दोनों कारों के बीच पिस गई। लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। इसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसा मंगलवार को उदयपुर के जयसमंद स्टेट मेगा हाईवे पर जवार माइंस थाना क्षेत्र के अमरपुरा बस स्टैंड के पास हुआ। इसमें टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर और एक बाइक सवार समेत 3 लोग घायल हो गए। अगली खबर। मुंबई में पिछले 7 दिनों से महानगर पालिका द्वारा बढ़ाई गई टेस्टिंग से कोविड के मामलों में भी बढ़त दर्ज की गई है। महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार सप्ताह भर में टेस्टिंग की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि कोविड के नए मामलों में भी 25% की वृद्धि हुई है। वैसे ही मुंबई में बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस चिंता का सबब बने हुए हैं। ऊपर से कोविड के मामलों में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों का आकलन करें तो 7 से 13 दिसंबर के बीच मुंबई में 1,92,572 लोगों की टेस्टिंग की गई और 1,468 नए मरीज मिले, जबकि 14 से 20 दिसंबर के दरमियान 2,91,298 लोगों की कोविड की टेस्टिंग की गई। 1,860 नए कोविड मरीज मिले हैं। उक्त आंकड़े बताते हैं कि कोविड की टेस्टिंग में 51.27% का इजाफा और संक्रमितों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। महानगर पालिका उप कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दक्षा शाह ने बताया कि एयरपोर्ट पर टेस्टिंग अधिक हो रही है, इसीलिए टेस्टिंग की संख्या में इजाफा हुआ है। अगली खबर। एक 26 वर्षीय महिला के साथ ठगी का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां अज्ञात ठग ने ऑनलाइन ओएलएक्स पर पुराने कपड़े खरीदने के बाद महिला के बैंक खाते में पैसे भेजने के बजाय उसी के खाते से 1,09,000 रुपए की रकम उड़ा ली। वाकोला पुलिस ने एक अज्ञात ठग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वाकोला पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराने गई संत क्रूस की रहने वाली महिला शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने पुराने कपड़े बेचना चाहती है और उसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओएलएक्स पर एक मुफ्त विज्ञापन देने का फैसला किया। उसे एक व्यक्ति का फोन आया जिसने उसके कपड़े खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यही विराम देते हैं। बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।